हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फार्मेसी टेक्नीशियन एक प्रोफेशन के बारे में। बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है और जी हाँ, जैसा कि द नेम इट सेल्फ वो कह देता है उसके बारे में कि ये टॉपिक किससे रिलेटेड होने जा रहा है, तो फार्मेसी टेक्नीशियन ऑब्वियसली फार्मेसी से रिलेटेड होगा। और आपने अगर यहाँ पर क्लिक किया है तो ऑब्वियसली आपकी भी एक इंटरेस्ट होगी इस प्रोफेशन को जानने के लिए, या तो आप बैचलर ऑफ फार्मेसी या फार्मेसी से रिलेटेड कोई भी स्टडी आप अभी इस समय कर रहे होंगे, या आप लोग प्लान कर रहे होंगे कि इस प्रोफेशन को कैसे करें या ये कोर्स कैसे करें या फार्मेसी टेक्नीशियन में कैसे एनरोल करें। तो स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो मैं अभी न्यूजीलैंड के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ कि ये प्रोफेशन जो है फार्मेसी टेक्नीशियन का ये कैसे न्यूजीलैंड में कैसे चल रहा है, और इसके बारे में और भी काफ़ी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो जी हाँ, स्टे ट्यून अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो, और हम लोग अभी तुरंत ही स्टार्ट करेंगे, बहुत सारे मेन टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जस्ट आफ्टर दिस फुल इंट्रो। सो वेलकम बैक गाइस, प्लीज़ कमेंट डाउन अगर आपको ये इंट्रो अच्छा लगा हो तो। वो मेरे छोटे छोटे ग्लिम्स है जो मैंने कलेक्ट करे हैं सारे। और जी हाँ, बैक टू टॉपिक, यहाँ वहाँ के डिस्कशन किए बिना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल की हम ये पहले बातें कर ले कि फार्मेसी टेक्नीशियन होता क्या है। तो अगर बहुत ही सिंपल शब्दों में कहूँ मैं कि फार्मेसी टेक्नीशियन क्या होता है, तो ये एक ऐसा कोर्स है जिसको फिनिश करने के बाद यहाँ पर स्पेशली अब्रॉड कंट्रीज में जो मेडिसिंस होती है वो बिना फार्मेसी की परमिशन के आप उसको डिस्पेंस यानी कि बाहर सीधा पेशेंट को नहीं दे सकते हैं। फार्मेसी में जो भी चीज़ें हैं वो फार्मासिस्ट की निगरानी में होना चाहिए। तो जी हाँ, और जैसे कि प्रिस्क्रिप्शन आ रहा है, जो भी चीज़ें मतलब मैं डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी हैं, तो वो प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल करना, उस प्रिस्क्रिप्शन की जो भी डिटेल्स हैं वो सारी कंप्यूटर में एंट्री करना, उसके बाद मेडिसिन जो भी उन्होंने प्रिस्क्राइब करी उस मेडिसिन को करेक्ट ऑर्डर में, करेक्ट स्ट्रेंथ के हिसाब से और करेक्ट मेडिसिन ऑब्वियसली, तो ये सारी चीज़ें डिस्पेंसिंग करना, और उसके बाद एक फाइनल चेक होता है फार्मासिस्ट के द्वारा, और वो फार्मासिस्ट उसके बाद आप सीधा उसको पेशेंट को दे सकते हैं। अगर वहाँ पर छोटी मोटी जैसे कि क्वेरीज हैं जैसे कि, तो वो भी आप उसको थोड़ा बहुत काउंसिल कर सकते हैं पेशेंट को। तो ये थी बातें फार्मेसी टेक्नीशियन की। मोटा मोटा ये कह लो कि एक असिस्टिंग हैंड्स होते हैं जो टेक्नीशियंस होते हैं वो फार्मासिस्ट के लिए। तो फार्मासिस्ट जो कि मेन जॉब करता है और उनके जो दूसरी जॉब्स होती है वो फार्मेसी टेक्नीशियन करता है। तो ये हो गई बात फार्मेसी टेक्नीशियन की। व्हाट अबाउट फार्मेसी टेक्नीशियन? नाउ वी आर मूविंग टू सेकेंड टॉपिक कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक्स टू गेट अ सर्टिफाइड टेक्नीशियन। अगर आपको कितना ड्यूरेशन है अगर आप कोर्स कर रहे हो तो, अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैंने जो कोर्स किया था वो मेरा था 1 साल 4 महीने, यानी 1 year 4 months का कोर्स था वो टोटल, और जिसमें 1 साल कम्प्लीटली कोर्स जो स्टडी टाइम था वो, और 4 months मेरा इंटर्नशिप था जो कि अनपेड इंटर्नशिप होती है, आप किसी फार्मेसी में करते हो, ठीक है। तो ये हो गई बात आपकी टोटल के आप कितना उसमें टाइम दे रहे हो, और उसके बाद आप आफ्टर वंस यू गेट सर्टिफाइड टेक्नीशियन देन यू कैन वर्क इन फार्मेसी ऑब्वियसली। अब बात करते हैं जॉब्स अवेलेबिलिटी की। जी हाँ, इस वक्त जैसा कि अभी पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है, तो अभी नए स्टूडेंट्स कोई भी आ नहीं रहे हैं, अभी बॉर्डर क्लोज्ड है जैसे कि कंट्री की, तो इस वक्त अभी मार्केट यानी कि बाहर बहुत ही ज़्यादा डिमांड है फार्मेसी टेक्नीशियन की, और बहुत ही एक अच्छी डिमांड है ये कह सकते हैं। तो और तो ऐसा नहीं है कि आप ये कोर्स फिनिश कर रहे हो और आपको जॉब्स नहीं मिल रही हैं। इफ़ यू आर गुड, इफ़ यू आर परफॉर्मिंग रियली वेल, अगर आप अपना बेस्ट दे रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी डिमांड है, लोग आपको पूछेंगे, और आपका रेफरेंसेस, आपका नेटवर्क अगर अच्छा है यहाँ पर तो जी हाँ, लोग आपको पूछेंगे कि आप अवेलेबल हो उनके लिए या नहीं। तो ये हुई बात डिमांड की कि आफ्टर ये कोर्स को फिनिश करने के बाद आपकी जॉब डिमांड कैसी है, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी है। मैं तो कहूँगा कि आपको, आप इसको गुड सेगमेंट में रख सकते हैं।
अब बात करते हैं पे रेट की। तो ऑब्वियसली अगर आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हो, इतना पैसा आप कहीं पर लगा रहे हो, तो ये भी एक्सपेक्ट करोगे कि वहाँ से कुछ ना कुछ अच्छा मिल ही जाए। और ना मिले तो मेरे ख्याल से वो तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ही गलत वो हो जाएगा डिसीजन। तो जी हाँ, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे ओपिनियन में ये भी एक बहुत ही अच्छा कोर्स है। अगर आप परस्यू कर रहे हैं बैचलर ऑफ फार्मेसी, तो आप अभी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अब्रॉड में काफ़ी कोर्सेज अवेलेबल हैं। और जी हाँ, स्टडीज़ करिए और देखिए, और उसके बारे में रिसर्च करिए, फार्मेसी टेक्नीशियन के कोर्सेज के बारे में और अच्छी रिसर्च करिए, पता लगाइए कौन सी कॉलेज अच्छी हैं, और उसके बाद जी हाँ साइन अप करिए। पे रेट की बात कर रहे थे हम, हालांकि थोड़े भटक गए थे। तो जी हाँ, पे रेट बहुत ही अच्छा पे रेट है यहाँ पर। न्यूजीलैंड डॉलर्स में एवरेज $25.50 से लेके $27 तक, जो कि 2021 की बात कर रहा हूँ मैं, ये यहाँ का पे रेट है। तो ये बहुत ही एक अच्छा पे रेट है। और जी हाँ, और यहाँ पर रफली आप अगर 40 आवर्स का आपका कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, 40 आवर्स जॉब करें, तो आपकी गणित अच्छी है। फिर आप खुद देख सकते हैं कि कैलकुलेशंस वगैरह और INR में क्या आपके टोटल आपका पैकेज बैठता है, वो आप देख सकते हैं। तो जी हाँ, ये 4 टॉपिक्स थे मैंने डिस्कशन करे हैं। और आप इस प्रोफेशन के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं, अगर जैसे कि कौन सी कॉलेजेस अच्छी हैं, टोटल ड्यूरेशन, इन डेप्थ कोई चीज़ें आप मुझसे जानना चाहते हैं, इसके अलावा इस कोर्स के रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो आपको, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और कमेंट कीजिए। और प्लीज़ यार, इस चैनल को थोड़ा पहुंचा दीजिए। 1,000 सब्सक्राइबर मेरा टारगेट है विद इन 2 मंथ्स। देखते हैं ये अचीव कर पाते हैं हम या नहीं। और कमेंट डाउन गाइज, और वॉट एवर क्वेश्चन यू हैव यू कैन जस्ट कमेंट डाउन। मैं बहुत ही एक्टिव हूँ इस वक्त, तो ऑब्वियसली मैं आप लोग को सारे आपकी क्वेरीज वहाँ पर सॉर्ट आउट कर दूंगा। तो जी हाँ दोस्तों, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर। अगर आपका कोई फ्रेंड फार्मेसी कर रहा है, या उनको कोई फार्मेसी टेक्नीशियन या इवन फार्मासिस्ट की प्रिपरेशन भी करनी है अगर, तो उसके बारे में भी मैं आपको लिंक्स वगैरह शेयर कर सकता हूँ, कि यहाँ पर अगर फार्मासिस्ट, अगर आपको रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अगर बनना है, तो उसके बारे में भी आप कॉमेंट डाउन कीजिए ऑब्वियसली। तो जी हाँ, स्टे ट्यून गाइज, और दूसरे भी वीडियोज़ हैं मेरे, प्लीज़ आप वो लोग चेक कीजिए। वो दूसरे वीडियोज़ भी बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ का कैपिटल वेलिंगटन है, उसके बारे में एक वीडियो बना रखा है, और 2-3 ट्रैवल व्लॉग्स है। तो जी हाँ, प्लीज़ डू चेक आउट दोज वीडियोज़ एंड स्टे ट्यून एंड बी सेफ। थैंक यू।